नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। बिरहलाद इस्पात फैक्ट्री में रखे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड कर्मी तथा पुलिस मौके पर मौजूद। शुकोहाबाद के NH2 नौशहरा स्थित बिरहलाद इस्पात फैक्ट्री में बुधवार शाम 6:30 बजे अचानक फैक्ट्री परिसर में रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों में भी हड़कंप मच गया। फैक्ट्री से निकले धुएं के गुब्बार को देखकर हर कोई हैरान था। सूचना पर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू में जुट गई। धुएं का गुब्बार फैक्ट्री से निकला तो चारों तरफ दहशत फैल गई। लोगों की भीड़ फैक्ट्री के चारों ओर एकत्रित हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। एक ट्रांसफार्मर से आग ने पास में रखे दूसरे ट्रांसफार्मर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगे। ट्रांसफार्मर में आग कैसे लगी ये जांच का विषय है। देर शाम बता दें 7:45 बजे तक आग बुझाने का काम जारी था। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। और कितनी देर में कितनी गाड़ियों ने आग बुझा पाई? कोई जनहानि या किस तरह की? अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसमें भी आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम है क्या मौके पर? जो व्यवस्थाएं जो है, हाइडन पंप वगैरह भी लगी हुई है।